नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका स्वागत है। मित्रों, आज ज्योतिष से हटकर एक विषय है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बड़ा ही अच्छा ऐप है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, कई बार हम अपने फोटोज लेते हैं, पिक्स लेते हैं, तो क्या होता है कि हम वो पिक्स तो लेते हैं और फोटो अच्छी आती है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ खराबी होती है तो वो पिक्स बद्दी लगती है। तो उस बैकग्राउंड को हटाने के लिए एक बहुत ही अच्छी ऐप है, बहुत से दोस्त जानते होंगे मेरे, लेकिन जो मित्र नहीं जानते इस ऐप के बारे में, मैं उनको आज बताने वाला हूँ कि एक क्लिक के अंदर आप बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मित्रों, जैसे मैं अपने वीडियो में थंबनेल लगाता हूँ, उसमें बैकग्राउंड चेंज होता है, तो वो मैं इसी ऐप से करता हूँ। मैं आपको आज बताऊँगा कि वो ऐप कौन सी है। तो मित्रों, वो ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के अंदर जाइए। प्ले स्टोर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको लिखना है अल्टीमेट बैकग्राउंड इरेजर। जैसे ये प्ले स्टोर ओपन हो गया है मेरा, और मैं इसके अंदर सर्च बार में लिखता हूं अल्टीमेट बैकग्राउंड इरेजर। ये देखिए, ये आ गया अल्टीमेट बैकग्राउंड इरेजर। ये आप लोगों देख लीजिए, इसका जो ये लोगो आ रहा है, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है और मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। ये मेरे मोबाइल के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए अपडेट मांग रहा है। ये आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसकी प्रोसेसिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये डाउनलोड हो जाए आपके मोबाइल में, फिर आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कैसे करें। ये मेरे मोबाइल के अंदर अल्टीमेट बैकग्राउंड इरेजर ऐप है जो मैं ओपन कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रही होगी। अब ओपन होने के बाद में नीचे चार ऑप्शन आते हैं, उसमें से तीसरा ऑप्शन आपको ओपन करना है, जिसमें आपको गैलरी दिखाई देगी। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, गैलरी और फोटोज, तो आपको गैलरी को ओपन करना है। और जैसे गैलरी ओपन होती है तो आप उसके अंदर अपना जो फोटो है उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मैं मेरी फोटो के अंदर बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं, जैसे मैंने ये फोटो ले लिया, ये मेरे भाई का फोटो है, ये फोटो ले लिया मैंने, अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। इसके अंदर ऐप के अंदर जैसे ही फोटो आएगी, उसके बाद में नीचे पांच ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन है ऑटो, आप ऑटो पे क्लिक कीजिए। ऑटो पे क्लिक करते ही उसके अंदर नीचे दोबारा ऑप्शन आएंगे, उसमें मैनुअल का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में फोटो के बैकग्राउंड पे एक प्लस का निशान आएगा, आप उस पर क्लिक करके और जहाँ से आपको बैकग्राउंड हटाना है वहाँ पर आप छोड़ दीजिए उसको, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड हट जाएगा। ये देखिए, ये बैकग्राउंड हट गया है। अब जहां से नहीं हटा है वहां से हमें हटाना है, तो जो ये प्लस का चिन्ह है इससे हटा सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे जो ऑप्शंस है उसके अंदर रिस्टोर का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके अंदर वापस मैनुअल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में चार नंबर का ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट, उस पर क्लिक करके आप जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है आप उसको भी हटा सकते हैं। जैसे मैं ये देखो, ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बटन है ये दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको धीरे धीरे हटा रहा हूँ। इसको बिल्कुल आसानी से आप हटा सकते हैं, स्लोली स्लोली। ये देखिए, बैकग्राउंड बिल्कुल हट गया है। बैकग्राउंड हटने के बाद में आप देख सकते हैं ये फोटो बन गई है। अगर आप इसके अंदर बैकग्राउंड दूसरा डालना चाहते हैं
तो इसके अंदर काफ़ी बैकग्राउंड ऐसे हैं जो आप लगा सकते हैं, जैसे इस फोटो को जहां आपको सेट करना है कर दीजिए। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे भी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये फ़ोटो बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसको ये सेट नहीं हुआ है तो हम इस फोटो को यहाँ तक बिल्कुल सेट कर देते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड दूसरा लगाना है तो नीचे ऑप्शंस में बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, आप उसके अंदर से आप बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। ये देखिए ये फोटो, देखो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी लग रही है अब बैकग्राउंड चेंज करने के बाद में। तो बैकग्राउंड जैसे ही मैंने चेंज किया तो इस फोटो की लुकिंग चेंज हो गई बिल्कुल। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, आप कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर काफी सारे स्टिकर्स भी हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। स्टिकर्स का ऑप्शन है नीचे, आप उसके अंदर से स्टिकर भी लगा सकते हैं, कोई भी स्टिकर आप चूज कर सकते हैं इसके अंदर। स्टिकर जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ये देखिए स्टिकर लगा दिया। उसके बाद में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। या फिर कोई भी फोटो आपको लगानी है, स्टिकर लगाना है, आप कोई भी चीज लगा सकते हैं आसानी से। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, आप ऐसे सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो मित्रों बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको यूज में लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों को बताएं इस ऐप के बारे में, तो सभी इसका आनंद ले सके। ये देखिए आप, ये फोटो तैयार हो गई है। तो मित्रों ऐसे ही फिर इसको सेव करना है आपको, तो राइट साइड में ऊपर की तरफ मेमोरी कार्ड का जो निशान आ रखा है उस पर आप क्लिक कीजिए, ये फोटो सेव हो रही है गैलरी के अंदर। मित्रों ये फोटो सेव हो गई है। इसी तरह आप कोई भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।